नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच टू अ फ्रस्टम ऑफ कोन. इफ द टोटल हाइट इज 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ द फनल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल. तो इसका जो डायग्राम है वो समझने की कोशिश करते हैं. पहले तो ऊपर है फ्रस्टम के शेप में एक जो फनल है उसका ऊपर का जो शेप है वो फ्रस्टम के शेप में है. उसके बाद है यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप. इसका जो डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है वो होगा 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली यहाँ पे रेडियस है 18 सेंटीमीटर, यहाँ का जो रेडियस है वो होगा 9 सेंटीमीटर. और फिर हमको बताना है कि इसमें टिन शीट जो है वो कितना लगेगा. तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 22 है. अब देखो ये हाइट हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर. टोटल हाइट 22 है, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी, फ्रस्टम वाले सेक्शन की हाइट कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ. ठीक है, देखो ये वाला जो लेंथ है ये 4 दिया हुआ है और ये टोटल लेंथ 9 दिया हुआ है. तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो ये वाला लेंथ होगा, दैट इज़ 5. अब ये 5 है, ये हाइट हमको 12 दिया हुआ है, तो ये जो हाइपोटेनस है ये कितना होगा, 13. 5 12 13, तो ये 13 क्या है, स्लैंट हाइट है, फ्रस्टम का स्लैंट हाइट है 13. ठीक है, ओके. अब हम लोग इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, जो फ्रस्टम है उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया इट इज़ इक्वल टू पाई R1 + R2 L. पाई, यहाँ का रेडियस है 4, यहाँ का रेडियस है 9, L है 13 एंड ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. फिर ये जो सिलेंड्रिकल शेप है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πRH विच इज़ इक्वल टू 80π cm². तो टोटल टिन रिक्वायर्ड, टिन शीट रिक्वायर्ड इज 9 + 4 = 13, 13 × 13 = 169, 169π + 80π = π. यहाँ पे आएगा 9, 16 + 8 = 249π = 782.25 cm².